हाँ साइन 7π/4 -1/√2 आएगी इसकी वैल्यू, फोर्थ क्वाड्रेंट में 7π/4, पाई बाय फोर जहाँ पे आ गया, ठीक है पाई बाय फोर आ गया साथ में, यस सर। यहाँ ओड नंबर है तो फिर 1/√2 ही होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 1/√2 नेगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 7π/4 ये भी 1/√2 आएगा, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में ने पॉजिटिव होता है तो माइनस में ही आएगा, सिर्फ 1/√2 आएगा। तो ये वे सिंप्लीफाई हो गया, आपकी वैल्यू आएगी -√2, -√2 आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका एप लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/√2, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, √2 थी। ठीक है यस सर। हाँ सर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? यस हाँ हाँ कर लेंगे। जी एक्स इज इक्वल टू x/2 + 2/x, जी डैश एक्स क्या आएगा? पहले तो एक काम करो, हाँ चलो कर लेते हैं, जी डैश एक्स इसका हो जाएगा 1/2 माइनस ये हो जाएगा 2/x2। जी डैश एक्स इज इक्वल ये बन जाएगा, ठीक है हाँ सर, पुट करेंगे इक्वल टू जीरो, क्या आप यहाँ से ही जीरो पुट कर दो, ठीक है यहीं से करो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, वो बताता हूँ आपको। जी डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, 1/2 -2/x² इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आए 2/x² तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम 2 x² को साइड ले जाओ उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वो होगा x-2 आ जाएगा, तो +-2 आएगा, तो x आपका +-2 आएगा, ठीक है। हाँ सर, इंटरवल आपको दिया है x > 0, 0 to ∞ हो गया, x आपको ग्रेटर देन 0 दिया है क्वेश्चन में, तो फिर हमने नेगेटिव वाली साइड ली ही नहीं, सिर्फ 0 to ∞ ही लिया, क्वेश्चन में आपको दिया x > 0, तो यूजुअली हम ऐसे -∞ जब क्वेश्चन में दिया 0 से राइट साइड ही लेनी है, 0 से बड़ा ही लेना है, तो ये वाली साइड मैंने फिर बनाई ही नहीं, ठीक है yes, समझ आया yes, sir। अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे कितने हैं, -2, तो -2 तो यहाँ लेना ही नहीं है क्योंकि x 0 से बड़ा है, तो -2 को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ओनली 2 लेना है हमें, क्वेश्चन में दिया ना x > 0, तो हमने -2 तो लिया ही नहीं, ठीक है awesome। ये हो गया, यहाँ पर क्या होगा चेक करो, इधर से 1 ले लो, 1 लिया, 1 को यहाँ डालोगे तो 1/2 -2 -3/2 आ गया, <0 आ गया, लेस देन जीरो आया, तो यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है तो जो लोकल मिनिमम आ गया, राइट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, एफ एक्स एज लोकल लोकल मिनिमा होगा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, g of 2 2/2 +2/2 तो 1 + 1 = 2, ऐसे करना है, बच्चों आपने वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज कर ली थी,
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी क्या सभी ने? पूरी नहीं हुई। एक क्वेश्चन जिसने जितनी कर ली है ठीक है ना, उससे आगे कंप्लीट करेंगे उसको, जिन्होंने नहीं किया है वो रिपीट दोबारा करेंगे उसको। एक तो मेरे साथ, उसके बाद आपको एक बार और करनी है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो पूरी करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले, और इसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। ओके सर। ओके सर। चलो नेक्स्ट क्लास कब हमारी? थैंक यू सर। सर मंडे। मंडे को बच्चों या तो मंडे को या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन एक तरह से टेस्ट जरूर होगा। मंडे को आप कंफर्म मान के चलें, ऑफलाइन नहीं हो पाया तो ऑनलाइन लूंगा, फिर कोशिश ऑफलाइन की है, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाया तो फिर ऑनलाइन लूंगा, मंडे को टेस्ट जरूर दूंगा ठीक है? ठीक है सर। ओके सर।